हेलो स्टूडेंट, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया था कि कैसे हमें गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ और या फिर उसका सेल पोटेंशियल मेजर करते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल पर्पज के लिए हम लोग ईएमएफ और सेल पोटेंशियल को सेम मान के चलते हैं, लेकिन इसमें एक थ्योरेटिकल डिफरेंस होता है, एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल, ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। तो देखो डिफरेंस समझाने से पहले, ऑल दो मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ईएमएफ मेजर कैसे करते हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक आपके पास गैल्वेनिक सेल बनाता हूँ। सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है एनोड वाला, ये रहा एनोड, ये आपके पास दूसरा कंटेनर है कैथोड वाला और उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड लेंगे उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और यहाँ पे आपने इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है। देखो फिगर नहीं बना रहा इसलिए मैं थोड़ा अजीब टाइप का बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोड, ये सॉल्ट ब्रिज, चलो सही है, और ये हो गया आपका कैथोड। इसको हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, ये यहाँ पे डिफ्लेक्टर शो होगा जब करंट पास होगा तब। ये आपका एनोड है नेगेटिव, ये आपका कैथोड है पॉजिटिव, सही है। अब यहाँ पर हम एक सेटअप करते हैं, सेटअप क्या है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड उसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। यहाँ से हम एक एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, और इस एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू हम इस सर्किट में, इस सेल में क्या करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे। तो देखो अभी क्या है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो जीरो वोल्ट है, कितना है, जीरो वोल्टेज है। अब इस सपोज इस गैल्वेनिक सेल का हमको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये गैल्वेनिक सेल है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है थ्रू कैथोड टू एनोड, नहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड और करंट फ्लो हो रहा है कैथोड टू एनोड, सही है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस एक्सटर्नल बैटरी से हम इसमें, इस सेल में क्या करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे। अब जब हम करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल बैटरी से जब हम करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो डिफ्लेक्टर है ये धीरे धीरे क्या होगा, निल पॉइंट की तरफ, दैट इज जीरो वोल्ट की तरफ भागेगा। अब सपोज यहाँ से हमने बैटरी बढ़ाना शुरू किया, यहाँ की रीडिंग हमको नहीं पता है कि कितना है, लेकिन यहाँ की रीडिंग हमको पता है, यहाँ से हमने 0 वोल्ट 0.1 वोल्ट करते 0.2 वोल्ट 0.3 वोल्ट बढ़ाते गए, तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब यहाँ से करंट सप्लाई होना या करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, और ये डिफ्लेक्टर कहाँ पे आ जाएगा, निल पॉइंट पे, दैट इज जीरो पे आ जाएगा। उस टाइम पे यहाँ की रीडिंग जो होगी, यहाँ की रीडिंग, यहाँ पे आप रीडिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ की जो रीडिंग होगी वही क्या होगा, कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा ये गैल्वेनिक सेल है ये वर्क नहीं कर रहा है, सेल इज नॉट वर्किंग। तो जब सेल वर्क नहीं कर रहा है उस टाइम पे जो कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा आपका, ईएमएफ, क्या हो जाएगा, ईएमएफ। अब अगर मैं आपको इसे डायरेक्ट लिखा देता कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि जब सेल काम ही नहीं कर रहा है तो आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। ऐसे मेजर करेंगे, एक एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे, वहां से करंट सप्लाई करेंगे, कब तक सप्लाई करेंगे, जब तक कि ये जो करंट सप्लाई है वो रुक ना जाए, जीरो पे ना जाए। अब ये जीरो पे आने से पहले सपोज मान लो यहां पे आ गया, इसकी रीडिंग है 2 वोल्ट, कितना, 2 वोल्ट। अब जब यहां से हम 2 वोल्ट से कम करंट सप्लाई करेंगे, सपोज 1.8 इतना वोल्ट हमने सप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, यहां पे करंट फ्लो होगा, आपका जो गैल्वेनिक सेल है वो डोमिनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्टर शो करेगा यहां पे कुछ,
ठीक। यहां पे जब सेल काम कर रहा होता है, ध्यान से समझना, जब आपका सेल ऑपरेट कर रहा है उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो होगा आपका सेल पोटेंशियल। क्या होगा? सेल पोटेंशियल। तो बस यही है डिफरेंस। आप क्या करो, आप इस डायग्राम को मत बनाओ, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। थ्योरेटिकली डिफरेंस होता है, आप ऐसे एक टेबल ड्रॉ करो, है ना, एक टेबल ड्रॉ करो, ईएमएफ ऑफ सेल एंड ईएमएफ ऑफ सेल एंड सेल पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिखना स्टार्ट करें पॉइंट वाइज, हेडिंग डाल लो, ऐसे वीडियो पॉज करके हेडिंग डाल लो। लिखो इसमें ईएमएफ के नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट, व्हेन नो करंट इज विथड्रॉइंग, व्हेन नो करंट इज विथड्रॉइंग फ्रॉम द सेल, व्हेन नो करंट इज विथड्रॉइंग फ्रॉम द सेल, दैट इज सेल इज नॉट वर्किंग, दैट इज सेल इज नॉट वर्किंग। अब सेल पोटेंशियल के नीचे लिख दो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन सेल इज वर्किंग, व्हेन सेल इज वर्किंग। सेकेंड पॉइंट लिखो ईएमएफ के नीचे, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर। सेल पोटेंशियल के नीचे लिखेंगे, सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ, सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ। थर्ड पॉइंट लिखेंगे ईएमएफ के नीचे, ईएमएफ इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है, ईएमएफ इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। अब उसमें लिखिएगा सेल पोटेंशियल में, सेल पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, सेल पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। तो ध्यान रहे ईएमएफ ऑफ सेल या ईएमएफ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसको हम लोग मेजर करेंगे थ्रू पोटेंशियोमीटर। किसके थ्रू? पोटेंशियोमीटर। छोटा सा चीज है लेकिन इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे आपसे पूछ लेगा ईएमएफ ऑफ अ सेल कैन बी मेजर्ड बाय, ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी पोटेंशियोमीटर या फिर डी गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान रखना ईएमएफ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर, जबकि सेल पोटेंशियल को हम लोग सिंपली वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। ये तो रहा थ्योरेटिकली डिफरेंस, न्यूमेरिकल पर्पज से ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, आप लोग एक बार फिर से लिख लीजिएगा, फॉर न्यूमेरिकल पर्पज बोथ ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल, बोथ ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल आर टेकन टू बी सेम। थ्योरेटिकली डिफरेंस ये होता है, मैंने आपको सिखा दिया है, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे चाहे उसने सेल पोटेंशियल बोल दिया
तो भी हम EMF कैलकुलेट करेंगे, या उसने EMF बोल दिया तो भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, EMF कैलकुलेट करेंगे। सही है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा, से मैंने आपको बताया था एक सिंगल इलेक्ट्रोड का एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो कैसे मेजर करेंगे, आओ अब वही चीज हम लोग समझने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ स्टैंडर्ड है मतलब वही कंडीशन, 25 डिग्री 1 बार प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या रहेगा 1 मोलर रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप लोग पूरा हेडिंग डाल देना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें आप लोग पहले लिखना शुरू करो, बोल रहा हूँ थोड़ा सा लिखो उसके बाद मैं समझाऊंगा। सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट करें, सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड, सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली सो इट इज कंबाइंड विद अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सो इट इज कंबाइंड विद अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिख देना नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ब्रैकेट में क्या लिखा है नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू मेक अ सेल। कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है ना, पहले आप बोल रहे हो कि सिंगल इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर ही नहीं कर सकते, फिर आप बोल रहे हो नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी सिंगल इलेक्ट्रोड का, ये क्या चक्कर है। बड़ा ही आसान सा चक्कर है, यहाँ पे हम रेफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं रेफरेंस लेते हैं, किस चीज का रेफरेंस लेते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोल लो रादर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता रहता है। तो रेफरेंस क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो रेफरेंस हम किसको मान के चलते हैं, रेफरेंस हम मान के चलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग क्या बुलाएंगे SHE। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो देखो, इसके लिए हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में बेसिकली हम H+ आयन का मतलब ऐसा सोल्यूशन लेंगे जिसमें H+ आयन हो, और उस H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, हाँ कितनी होनी चाहिए, देखो स्टैंडर्ड है तो ऑल इट इज अंडरस्टूड कि उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, कितना है 1 मोलर, ये किसका है H+ आयन का सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर। तो आप 1 मोलर HNO3 ले सकते हो, 1 मोलर HCl ले सकते हो, या फिर 0.5 मोलर H2SO4 ले सकते हो, सही है। देन यहां पे हमको लगाना है इलेक्ट्रोड, उसका सेटअप पहले देख लो इंपॉर्टेंट है, यहां से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, इसमें हमने एक प्लेटिनम की वायर लगाई है, किसकी वायर लगाई है प्लेटिनम की वायर, ये किसका वायर है प्लेटिनम वायर, और यहाँ पर इस जगह पे हम लोग लेते हैं प्लेटिनम ब्लैक का फॉइल, हाँ बहुत पतला सा टुकड़ा रहता है, ये क्या है प्लेटिनम ब्लैक का फॉइल है, ब्लैक कलर से बनाया भी है ना, अभी मिट जाएगा, ये क्या है प्लेटिनम ब्लैक फॉइल ऑफ प्लेटिनम ब्लैक, यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग
H2 गैस पास करते हैं, H2 गैस पास करते हैं जिसका प्रेशर क्या होगा, वेरी गुड, 1 bar प्रेशर पे हम यहां से क्या पास करते हैं, H2 गैस। इस तरह से जो इलेक्ट्रोड बना उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बुलाएंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता है कितना है, चलो देखो, सपोज आपको, आप बताओ आपको पता है, नहीं, किसी को पता है, दिव्य तुमको पता है, बिल्कुल नहीं पता है, हमको नहीं पता, तो दुनिया में किसी को नहीं पता कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो यहां पे एक जुगाड़ किया गया, क्या जुगाड़ किया गया, बहुत ही आसान सा जुगाड़ किया गया, इसको मान लिया गया, क्या किया गया, मान लिया गया कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 volt है। तो यहां पे ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया गया, बस इसको क्या किया गया, मान लिया गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक सेकंड में चेक कर लूं चल रहा है वीडियो कि नहीं, डर लग जाता है कभी कभी, थैंक गॉड चल रहा है, वरना सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या है, 0 volt है, क्या है, 0 volt है। तो आप इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ, चाहे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं या फिर हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो हम उसको SRP और SOP बोल सकते हैं। तो SRP कब होगा, SRP होगा जब रिड्यूस हो, तो रिड्यूस कैसे होगा, H+ एक्वस, क्या है, एक्वस फॉर्म में है ना, H+ आयन एक्वस फॉर्म में ही तो है, H+ एक्वस क्या करेगा, ये 2 electron गेन करेगा और क्या बना देगा, H2। ये तो हो गया इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी को कौन बताता है, SRP बताता है, तो इसका E0 क्या हो जाएगा, 0 volt। अब जीरो का प्लस माइनस साइन तो होता नहीं है, तो इसका अगर SRP 0 है तो बताओ इसका SOP क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, 0। अब उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, रिएक्शन क्या होगा उसका, H2 गैस क्या बना देगा, 2H+ एक्वस, साथ ही ये 2 electron क्या करेगा, लूज कर देगा। ये हो गया इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, जिसको कौन बताएगा, SOP बताएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो SRP और SOP लिखेंगे कैसे, सिंपल, अगर आपको SRP लिखना है तो क्या लिखेंगे, H+ चेंजेस टू H2, एंड अगर आपको लिखना है SOP तो कैसे लिखेंगे, E0 H2 चेंजेस टू H+, ये दोनों क्या होंगे, 0 volt होंगे, क्या होंगे, 0 volt होंगे। बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, जो मैं आपको लास्ट क्लास सिखा चुका हूँ, ये क्या है, SHE का SRP है, ये क्या है, SOP है, क्या है, SOP है। बस अब इसको आपको SHE की वैल्यू पता चल गई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई। अब आप इसको यूज करके, इसको आप कैथोड और एनोड दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, और आप सेल का EMF कैलकुलेट करिए और वहां से आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हैं। कैसे, सपोज मुझे बताना है जिंक के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसके लिए, जिंक के लिए, देखो अभी बता देते हैं, बहुत ही सिंपल है, कैसे बताएंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसमें, मतलब जिस एलिमेंट का आप निकालना चाह रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई कर रहा है या ऊपर लाई कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कि उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है हाइड्रोजन से या उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो आप उसको एज एनोड लोगे, अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो आप उसे एज अ कैथोड लोगे, क्या लोगे, एज अ कैथोड लोगे, आई बात समझ में।
तो देखो यहाँ पे जिंक के लिए हमको फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब जिंक क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए इसलिए जब मैं इसको SHE के साथ कंबाइन करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा होगा एनोड क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा कैथोड। ध्यान रहे SHE को आप एस कैथोड या फिर एस एनोड दोनों ले सकते हो। तो बस देखो इस सेल के लिए जिंक और SHE को हमने कंबाइन करके गैल्वेनिक सेल बनाया, उस सेल का हमने EMF कैलकुलेट किया। अब EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि एक्सटर्नल बैटरी लेंगे, वहां से हम करंट सप्लाई करेंगे। कब तक करंट सप्लाई करेंगे, जब तक ये आपका जो डिफ्लेक्टर है वो जीरो पे ना जाए। तो जब वहां से आपने EMF कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए जो EMF होता है इसको हम लोग E0 सेल बोलते हैं, वो कितना आया 0.76 वोल्ट आया, कितना आया 0.76 वोल्ट। ये E0 सेल का फार्मूला क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ध्यान रहे जब आप E0 सेल कैलकुलेट करते हो, दैट इज EMF या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो, तो कैथोड और एनोड दोनों के लिए कौन सी वैल्यू यूज करोगे, हमेशा SRP वैल्यू यूज करोगे, गलती से भी SOP वैल्यू यूज मत कर लेना, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं क्योंकि मुझे पता है गलती आप यहीं पे करते हो। हाँ, माना कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या चाहिए, उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, सॉरी हाँ बिल्कुल सही, रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए। अब E0 है मतलब SRP चाहिए, E0 है मतलब SRP चाहिए, तो दोनों जगह पे क्या चाहिए हमको, SRP। तो अगर आप चाहो तो इसको मैं थोड़ा और ज्यादा एलोबरेट कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा E0 H+ चेंजेस टू H2 माइनस E0 Zn2+ चेंजेस टू Zn। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, हमें तो उसका SRP वैल्यू ही चाहिए। तो देखो E0 H+/H2 हाइड्रोजन के लिए SRP वैल्यू हमको पता है कितना है, 0 वोल्ट, तो ये क्या आ जाएगा 0.76 इक्वल्स टू ये हो गया 0 माइनस E0 Zn2+ चेंजेस टू Zn। यहां से हमको पता चल गया जिंक का SRP दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट। ये क्या है, जिंक का SRP वैल्यू है, क्या है SRP वैल्यू है। अगर आपको जिंक का SOP वैल्यू चाहिए तो देखो मैंने आपको बताया था SOP इक्वल्स टू माइनस SRP, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका SOP वैल्यू दैट इज प्लस 0.76 वोल्ट। ये क्या है इसका SOP वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नॉट ऑक्सीडाइजिंग। अब ऐसे आप चाहो तो आप कॉपर का निकाल सकते हो, बस एक चीज ध्यान रखना है कि आप कैथोड और एनोड किसको लोगे, दोनों को मिला के एक सेल बनाया, अब कॉपर को आप कैथोड लोगे या एनोड, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ ही जाओगे। कॉपर में हाइड्रोजन के कंपैरिजन में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्या रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे कैथोड, और ये हमारा क्या हो जाएगा आप एनोड। यहां से E0 सेल दैट इज EMF हमने कैलकुलेट किया, वो क्या आया 0.34 वोल्ट, ये क्या आ जाएगा E0 कैथोड दैट इज कॉपर माइनस E0 एनोड दैट इज SHE। SHE की वैल्यू हमको पता है, बताओ यहां से E0 कैथोड दैट इज Cu2+ चेंजेस टू Cu क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया, क्या आ जाएगा 0.34 वोल्ट। SRP आया, आप चाहो तो SOP वैल्यू भी यहां से फाइंड कर सकते हो, क्या जाएगा ये माइनस 0.34 वोल्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस
साइन चेंज कर देना, एसआरपी प्लस में है तो उसका एसओपी माइनस में होगा, एसआरपी माइनस में है तो उसका एसओपी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी करो। ठीक, आज अपने लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं, थोड़ा वीडियो की लेंथ हमने कम कर दी, आप लोगों का जुनून देख के हमको ये उठाना पड़ा कदम। खैर कोई बात नहीं, प्लीज़ हमको पता है सभी लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन एक लोग भी बनाएंगे नोट ना तो हमारा मतलब मेहनत सफल हो जाएगा। आप कह सकते हो बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, ऑनलाइन वीडियो अपलोड करते हैं ना, आपको लगता है बहुत ईजी है, वीडियो बना दिए फटाक से हो गया अपलोड, ऐसा नहीं होता है। वीडियो कंप्रेस करो, नेट देख ही रहे हो कितना फास्ट चल रहा है आजकल, है ना, रोते रोते हंसना सीखो। फिर कोई बात नहीं, ये सब तो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम बस नोट्स बना लो यार किसी तरह, है ना, क्योंकि कल की डेट में जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो यहाँ से आगे कंटिन्यू किया जाएगा फटाफट से। हम लोग जो टारगेट लेकर चले थे कि हमको दिसंबर तक एट एनी रेट सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसी पर्पज से, वरना मैं पागल थोड़ो हूँ आपके पीछे, हमें पता है बहुत लोग नहीं बना रहे, तो मैं भी ना मतलब कोई बात नहीं, आप नोट्स बनाते रहिए प्लीज़, देर सवेर नोट्स बनाइए और कोशिश करिए नोट्स उसी दिन बना लीजिए, क्योंकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने होते हैं अपने को, वो वीडियो लेक्चर में मैं नहीं कराता हूँ, आपको क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप करिए उसको, प्लीज़ करिए उसको, और वहीं पे हम लोग उसको सॉल्व भी करते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।